को फिर लगी सुप्रीम कोर्ट से फटकार। बाबा की सॉरी को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है सुप्रीम कोर्ट। अब क्या करेंगे बाबा रामदेव? एक हफ्ते का दिया है बाबा रामदेव को समय। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। दुनिया भर में योग गुरु के नाम से प्रसिद्ध बाबा रामदेव की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। रामदेव से जो गलती हुई उसे लेकर वो माफी भी मांग चुके हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इस माफी को स्वीकार नहीं कर रही है। भ्रामक विज्ञापन मामले में एक बार फिर से बेचारे बाबा को फटकार ही नसीब हुई है। सुनवाई के दौरान एक बार फिर से बाबा ने अपनी गलती मानी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फिर से बाबा के माफी नामे पर ध्यान नहीं दिया और हड़का दिया। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि उन्हें सार्वजनिक तौर पर माफी मांगनी पड़ेगी। कोर्ट का कहना है कि एक हफ्ते में बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण अपनी गलती सुधारने के लिए कोई ठोस कदम उठाए। अदालत के अंदर क्या हुआ अब आपको वो भी बताते हैं। अवमानकर्ताओं की तरफ से पेश वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि खुद को बचाने और अपनी नेक नियति दिखाने के लिए प्रस्तावित अवमानकर्ता अपनी पहल पर कुछ और कदम उठाएंगे, इसके लिए एक सप्ताह का समय दिया जाता है। अदालत ने उत्तरदाताओं 5-6 के अनुरोध पर प्रस्तावित अवमानकर्ताओं के साथ बात की। 23 अप्रैल को मामला सूचीबद्ध किया जाए और सबसे पहले सुना जाए। जैसे ही बाबा रामदेव कोर्ट के सामने पेश हुए, उन्होंने बिना देरी के माफी मांगी और फिर से हाथ जोड़े खड़े हो गए। रामदेव ने इस बात पर हामी भरी कि उनसे भूल हुई है। उन्होंने कहा कि जो भी हमसे भूल हुई है इसके लिए हम बिना शर्त माफी मांगते हैं। इस पर जस्टिस कोहली ने कहा कि आप जो प्रचार कर रहे हैं उसके बारे में क्या है? हमारे देश में तमाम पत्तदिता है लेकिन दूसरी दवाइयां खराब है, ये क्यों? इस पर रामदेव ने कहा कि हम अदालत से क्षमा मांगते हैं, हमने 5,000 रिसर्च किए और आयुर्वेद को एविडेंस बेस्ड तौर पर प्रस्तुत किया है। इस बात पर जस्टिस कोहली भड़क गए और बाबा रामदेव को तगड़ी फटकार लगा दी। उन्होंने कहा कि लाइलाज बीमारी के इलाज का प्रचार नहीं कर सकते हैं, कोई भी पद्धति में नहीं किया जा सकता, ये ख्याल रखा जाना चाहिए था। ये एक गैर जिम्मेदाराना हरकत थी। इस देश के लोगों को और कोर्ट को आपसे इसकी अपेक्षा नहीं है। इस पर रामदेव ने कहा कि आप सही कह रहे हैं, ये मेरे लिए भी अशोभनीय है। बालकृष्ण ने कहा अनुसंधान हम करते हैं, प्रचार अज्ञानता में हो गया जो कानून नहीं करना चाहिए था। अनादर करने की मेरी मंशा नहीं थी, हमने 5,000 रिसर्च किया, हमने किसी की क्रिटिसाइज नहीं की, आगे पुनरावृत्ति नहीं होगी। हालांकि रामदेव के बयान से सुप्रीम कोर्ट अभी भी संतुष्ट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि अभी बाबा की माफी के बारे में सोचा जाएगा। कोर्ट की तरफ से कोई माफी नहीं है, यानी कि अगर बाबा ये सोच रहे हैं कि माफी मांगकर काम खत्म हो जाएगा तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बाबा की माफी जेल से बचने का रास्ता नहीं है। कहा जा रहा है कि बाबा का जेल जाना तय हो गया है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या बाबा को जेल होनी चाहिए या फिर जो वो माफीनामा बाबा रामदेव पेश कर रहे हैं जज को, वो माफी स्वीकार कर लेनी चाहिए? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।